दोस्तों, माय नेम इज राहुल जिंदल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिक लर्निंग बाय राहुल सर। तो दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस ऑन थ्री कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, आज हम तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, और वो तीन कॉन्सेप्ट कौन से हैं? बिल्कुल नॉर्मल है, जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। वो तीन कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं, चलिए एक बार आपको मैं हिंट दे देता हूं। नंबर वन है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। नंबर टू, आपकी लाइफ कैसी है, आपका जीवन कैसा है, हाउ इज योर लाइफ। नंबर तीन, सर कैसी कट रही है आपकी, तो व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये तीन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, आज हम इन तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर बारी बारी से बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है आप कैसे हो। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ आर यू। अक्सर आपने देखा होगा 99% लोग इसका आंसर देते हैं आई एम फाइन, यानी कि मैं बहुत अच्छा हूं। पर आपने एक और बात नोटिस की होगी, लोग कभी भी सामने वाले के बारे में नहीं पूछते। लोग अपना आंसर दे देंगे आई एम फाइन, बट सामने वाले के बारे में कभी भी नहीं पूछते। इफ वी टॉक अबाउट हिंदी, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या होता है, आप कैसे हो, सामने वाला जवाब देता है जी मैं बढ़िया हूं, शुक्रिया, आप सुनाइए आप कैसे हो। तो हिंदी में हम क्या करते हैं, अपना भी बताते हैं, प्लस जिसने हमसे हमारे बारे में पूछा हम उसके बारे में भी पूछते हैं। बट इफ वी टॉक अबाउट इन इंग्लिश, हम इंग्लिश के अंदर ऐसा कभी नहीं करते, हम सिंपल आंसर देते हैं आई एम फाइन। हम कभी नहीं बोलते आप कैसे हो सर। तो आई एम फाइन दोस्तों बड़ा पुराना हो गया है, ओल्ड फैशन हो गया है। मैं आपको इसकी जगह पर एक दो नए मेथड बताता हूं, आप इसको रिप्लेस करके आप उनको यूज कर सकते हो, काफी इंप्रेसिव लगता है। जैसे दोस्तों हमारा क्वेश्चन था हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो आप ये यूज कर सकते हो आई एम प्रिटी गुड। तो दोस्तों आपने आई एम प्रिटी गुड के साथ आपने थैंक यू लगाना है, और आपने सामने वाले के बारे में भी पूछना है। तो पूरी लाइन कैसे बनेगी, आई एम प्रिटी गुड थैंक यू एंड यू, आई एम प्रिटी वेल थैंक यू एंड यू। या तो आप प्रिटी वेल लगा सकते हो, आप प्रिटी गुड लगा सकते हो, दोनों ठीक हैं। तो आई एम प्रिटी गुड थैंक यू एंड यू, इसका मतलब क्या हो गया, मैं बहुत अच्छा हूं, शुक्रिया, और आप कैसे हो। तो सामने वाला आपको एक बढ़िया तरीके से जवाब दे सकता है, वो आपको बोल सकता है सेलिंग इन द सेम बोट। जी हाँ, सेलिंग इन द सेम बोट का मतलब होता है जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं, जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूं। तो ये था दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट नंबर वन, यानी कि हाउ आर यू, आप कैसे हो। नाउ दोस्तों लेट्स मूव ऑन कॉन्सेप्ट नंबर टू। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर टू की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर टू में दोस्तों क्या होता है, कई बार हम सामने वाले की लाइफ के बारे में पूछ लेते हैं, ये बताओ सर आपका जीवन कैसा चल रहा है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है। तो हम इंग्लिश में सवाल क्या पूछते हैं, इंग्लिश में हमारा सवाल होता है हाउ इज योर लाइफ। तो दोस्तों इसके एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तो इसके आप कम से कम आप 13 से 14 आप रिप्लाई कर सकते हो। जो मैं आपको अब आंसर बताने वाला हूं 13 या 14 के आसपास, आप सेम आंसर को आप हाउ आर यू में भी ऐड कर सकते हो। ध्यान से सुनिए, आप सेम 13 या 14 आंसर को आप हाउ आर यू में भी शिफ्ट कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन है हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है। तो लाइफ क्या है हमारी, लाइफ को हम बार बार यूज नहीं करेंगे, तो हम लाइफ की जगह पर यूज करेंगे इट, और इट के साथ क्या आता है इज, और इट इज दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं इट्स। तो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा हाउ इज योर लाइफ, सर आपकी लाइफ कैसी है। जैसे मैंने कहा मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, तो हम क्या बोलते हैं इट्स गुड। पहला आंसर क्या हुआ हमारा, इट्स गुड, अच्छी है सर। दूसरा आंसर क्या हो गया, इट इज फंटेस्टिक,
इट इज फैंटास्टिक। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आंसर क्या हो गया, इट इज फैबुलस, या हम बोल सकते हैं इट्स फैबुलस। नेक्स्ट हम ये बोल सकते हैं इट्स मार्वलस, इट्स मार्वलस। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बोलेंगे इट्स मैग्निफिसेंट, इट्स मैग्निफिसेंट। इसके अलावा दोस्तों हम बोल सकते हैं इट्स सुपर्ब, एस यू पी ई आर बी। स्पेलिंग हमारे ये है बट इसमें आर आपका साइलेंट रहेगा, विदाउट आर आप इसको प्रोनाउन करके देखिए, बोल के देखिए, आर नहीं बोलना, आर आपका साइलेंट है। तो हम बोलेंगे इट्स सुपर्ब। आगे हम बोल सकते हैं इट्स क्लासी, इट्स क्लासी। नेक्स्ट हम आगे क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स माइंड ब्लोइंग। नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट्स गोइंग नाइसली, इट्स गोइंग नाइसली। इसके अलावा दोस्तों हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट्स स्प्लेंडिड, इट्स स्प्लेंडिड। तो हम दोस्तों और भी बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इट्स प्रिटी गुड, इट्स प्रिटी गुड। इसके अलावा दोस्तों कई लोग और भी बेहतरीन से बेहतरीन शब्दों का यूज करते हैं, इनको हम वोकैब कह सकते हैं। अगर हम डेली एक एक वर्ड को यूज करते हैं सामने वाला बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है, वो कहता है यार ये तो डेली हर एक नया नया वर्ड यूज करता है और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो नेक्स्ट दोस्तों क्या है, कई बार लोग ना एक वर्ड बोल देते हैं, वो बहुत प्यारा शब्द होता है, लोग बोल देते हैं इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन, इट्स गेटिंग अलोंग फाइन का दोस्तों मतलब होता है मेरी लाइफ पहले भी अच्छी थी, अब भी अच्छी है और मेरी लाइफ भविष्य में भी अच्छी होगी। तो दोस्तों देखो आपको मैंने इतने सारे वर्ड मीनिंग दिए, आपको मैंने इतने सारे वर्ड मीनिंग दिए, जैसे हमने बोला था इट्स गुड, इट्स फैंटास्टिक, इट्स फैबुलस। फैंटास्टिक और फैबुलस दोनों को जोड़ के बनाते हैं इट्स फैंटाबुलस, इट्स ऑसम। दोस्तों हम इट्स ऑसम भी बोल सकते हैं, इट्स माइंड ब्लोइंग, इट्स सुपर्ब, इट्स स्प्लेंडिड, इट्स क्लासी, इट्स गोइंग नाइसली, इट्स प्रिटी गुड, इट्स टेरिफिक और इट्स गेटिंग अलोंग फाइन। तो दोस्तों इतने सारी वोकैब है, इतने सारे वर्ड मीनिंग है, आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हाउ इज योर लाइफ, आपकी लाइफ कैसी है, इनमें से आपने कोई भी एक यूज किया, सपोज करो आपने यूज किया फैबुलस, तो आपका आंसर क्या आएगा, इट इज फैबुलस एंड योर लाइफ, इट इज फैबुलस एंड योर लाइफ। सर मेरी लाइफ बहुत अच्छी है और आपकी कैसी है, तो आप भी इनमें से कोई भी एक आंसर चूज कर सकते हो, आप कह सकते हो इट्स माइंड ब्लोइंग। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी वोकैब दी, इन सभी का मतलब एक ही है कि मेरी लाइफ बहुत शानदार है, मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों इतने सारे वर्ड मीनिंग, इतनी सारी वोकैब, आप इनको हाउ इज योर लाइफ में भी यूज कर सकते हो, दूसरों को इंप्रेस कर सकते हो, आप हाउ आर यू में भी इनका यूज कर सकते हो। तो नाउ लेट्स मूव ऑन कॉन्सेप्ट नंबर थ्री। तो तीसरा कॉन्सेप्ट क्या था दोस्तों, कई बार हम सामने वाले से पूछ लेते हैं, और सुना यार नयिता जी, और सुना क्या चल रहा है तेरी लाइफ में आजकल, कोई नयिता जी सुना, हम बोलते हैं ना नयिता जी सुना। तो हम इंग्लिश में क्या क्वेश्चन पूछेंगे, हम इंग्लिश में क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन, या व्हाट्स गोइंग ऑन की जगह पर आप एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाट्सअप, व्हाट्सअप क्या चल रहा है, और सुना यार नयिता जी, 99.9% लोग आजकल एक ही बात बोलते हैं, यार तेरे को तो पता ही है कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तो कुछ खास नहीं को इंग्लिश में बोलते हैं नथिंग स्पेशल, एवरीथिंग इज एज यूजुअल। और इतना बड़ा, बाप रे बाप, दोबारा बोलना, नथिंग स्पेशल एवरीथिंग इज एज यूजुअल, भाई हमारे बस की बात नहीं है, छोटा सा बताओ,
अगर आप इतना लंबा सेंटेंस नहीं बोल सकते, नथिंग स्पेशल एवरीथिंग इज एज यूजुअल, तो आप इसको शॉर्टकट में बोल सकते हो, नथिंग स्पेशल व्हाट्सअप, नथिंग स्पेशल व्हाट्स गोइंग ऑन, नथिंग स्पेशल कुछ खास नहीं। और दोस्तों अगर वाकई में कुछ खास हो, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, व्हाट्सअप क्या चल रहा है। अगर कुछ खास है तो आप कह सकते हो सर समथिंग इज स्पेशल, समथिंग इज स्पेशल कुछ खास है, तो सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा ना भाई क्या खास है, तो वो आपको इंग्लिश में पूछेगा व्हाट इज स्पेशल, व्हाट इज स्पेशल, सर आज मेरा जन्मदिन है, इट्स माय बर्थडे टुडे, इट्स माय बर्थडे टुडे। तो दोस्तों आज हमने तीन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करी कि हाउ आर यू को रिप्लाई कैसे करते हैं, हाउ इज योर लाइफ को रिप्लाई कैसे करते हैं, और व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन को हम कैसे रिप्लाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और उसके पास में जो घंटी का घंटी लगी हुई है आप उसको प्रेस कीजिए। इससे क्या होता है समय समय द्वारा जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाती है। तो दोस्तों अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं लेट्स कॉल इट अ डे, लेट्स कॉल इट अ डे। अगर आपको मेरी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर भी किया करो। ठीक है दोस्तों, बाय।